निकल गया और हमारी जब पुलिस टीम को पता चला, उसने पीछा किया तो इसको शेखोपुरी जंगल की तरफ जाता दिखाई दिया। हम हमारी टीम जब एसओजी और लोकल थाने पुलिस पीछा करते हुए पहुंची है, उस समय वहां पर जो है उसने फायर किया, जवाबी फायर किया और भागने का प्रयास किया। पुलिस ने फायर किया, इस जवाब में जवाबी फायरिंग में वो घायल हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। सर ये एकलौता आरोपी था? एकलौता आरोपी था और खून से पूरा लथपथ था। उसको पब्लिक ने जब हमारी टीम पीछा करी, लोगों ने बताया कि लथपथ खून से व्यक्ति इधर गया हुआ है, भागा हुआ है, फिर उसने उसको पीछा किया। सर घटना के पीछे क्या कारण था पता चला सर? घटना के पीछे कारण का हम लोग पता लगा रहे हैं। घटना के पीछे क्या रंजिश है, लेन देन का विवाद है या किस तरह विवाद है, इस बारे में बातचीत हो रही है, क्योंकि वही परिवार दुखी है और उससे ज्यादा बात नहीं हो पा रही है जैसा वो आगे बातचीत होगी। किस तरीके से घर के अंदर किस तरीके से घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से अंदर पहुंचा और कहां पर उसने घटना को अंजाम दिया, किस तरीके से बॉडी पुलिस ने रिकवर करी, किस कानून व्यवस्था को किस तरीके से संभाला? बताएगी वो घर में गया, घर में जाने के बाद उसने जो है पहले उसके बच्चों के दादी से मिला, उसके बाद वो बच्चे ऊपर चले, सीधा ऊपर तीसरे मंजिल पर गया, वहां पर जाकर दोनों बच्चों को उसने हत्या कर दी। तीसरा बच्चा छोटा था, वहां से उसकी खुड़ी को छोड़ दी, उन्हीं से भाग गया। ठीक हालत में है आरोपी सर, कहां का रहने वाला है? आरोपी का नाम साजिद सना बाबू है, सिखान रहने वाला है। अच्छा सर, मृतक जावेद का नाम आ रहा है कि उसका नाम साजिद सना बाबू? अच्छा, उसका नाम तो अभी होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।